अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 11। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि डायमेंशन टूल बार क्या होती है। डायमेंशन के ऊपर काम करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को डायमेंशन किस तरह देते हैं, पर्पज़ ऑफ लीनियर एंड इनलाइन डायमेंशन क्या होती है, हाउ टू यूज आर्क लेंथ, रेडियस, एंगुलर, पर्पज ऑफ क्विक डायमेंशन, डायमीटर, सेंटर मार्क, डायमेंशन एडिट एंड डायमेंशन टेक्स्ट और अपडेट डायमेंशन, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने सिर्फ डायमेंशन के ऊपर काम करना है कि डायमेंशन क्या होती है, और क्योंकि हम जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, प्रैक्टिकली हम जब काम करेंगे, जिसमें हमने अगर कोई 2D में कोई भी हम जब काम करेंगे, 2D ड्राइंग्स को ड्रॉ करेंगे, तो उसमें डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको डायमेंशन टूल बार के बारे में आज कुछ गाइड करूंगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में हम और भी रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन कमांड्स के ऊपर भी काम करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। ऑटोकैड को ओपन किया तो डायमेंशन जो आपके पास यहाँ पे ऑटोकैड 2015 में कहाँ पे लोकेटेड होती है, वो होती है आपके पास एनोएट्स पे क्लिक करें, एनोटेट, एनोटेट पे क्लिक करें और यहां पे आपके पास देखें डायमेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज हम ये डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, काम करेंगे। तो इस डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ मैं इन डायमेंशन के बारे में आपको अभी फिलहाल डिटेल से बताऊंगा, और आगे ये वाली जो डायमेंशन है इनके ऊपर हम नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे, जैसे जैसे हमें जो जो ट्यूटोरियल चाहिए होंगे मीन अपने काम करने के लिए, तो वैसे हम डायमेंशन को साथ साथ यूज करते रहेंगे, इन डायमेंशन को भी यूज करते रहेंगे। तो आज जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ये डायमेंशन क्या होती है, लीनियर डायमेंशन क्या है, अलाइन डायमेंशन क्या है, एंगुलर क्या है, आर्क लेंथ क्या है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और जॉर्ज और ऑर्डिनेट पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि इन पे काम किस तरह होता है, और उसके अलावा सेंटर मार्क के ऊपर भी आपको बताऊंगा, सेंटर मार्क क्या, और भी इसमें कुछ ना कुछ चीजें आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये डायमेंशन जो आपके पास एनोटेट पे है, और उसके अलावा आप यहाँ पे डायमेंशन टूल बार पे जाएं तो यहाँ पे भी आपको ये डायमेंशन, ये जीवन क्विक डायमेंशन, लेनियर, अलाइन और आर्क लेंथ है, ऑर्डिनेट है, रेडियस है, जॉर्जिया डायमीटर है, एंगुलर है, बेस लाइन है, कंटिन्यू, यहाँ से नीचे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जाके देखेंगे इसका फायदा क्या होता है, किस तरह हम यूज इसे करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड में कमांड यूज करूंगा यूनिट्स की, और यूनिट्स को सेट करूंगा यू एन इंटर यू एन इंटर। जब भी आप नया दोबारा से आप जब ऑटो कैड को ओपन करो तो आप यूनिट को सेट करना मत भूलो, इंजीनियरिंग और 0 फुट 0 इंच। ओके, अब मैंने डायमेंशन लेनी है, और डायमेंशन के लिए मैं सबसे पहले एल इंटर करता हूँ, लाइन लाइन लेता हूँ, एक 10 फुट की लाइन दूंगा मैं, स्केप प्रेस करता हूँ कमांड को कैंसिल करने के लिए, जेड स्पेस ए स्पेस जूम आर, यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए यूसी इंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। इसके अलावा यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लाने के लिए व्यू डिस्प्ले यूसीएस आइकन ओरिजिन पे क्लिक करेंगे, ओरिजिन पे आ जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं व्यू में भी आई थिंक होगा, व्यू में हाइड करने के लिए यूसीएस आइकन को हाइड करना है तो क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, अनहाइड करना है तो वापस क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। ओके, तो डायमेंशन के ऊपर जाते हैं जी, डायमेंशन। अब इसकी डायमेंशन में देखना चाह रहा हूँ कि डायमेंशन क्या है, तो इसके लिए मैं डायमेंशन पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले लीनियर डायमेंशन, तो यहाँ पे आप देखें लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से आप फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लेके भी आप डायमेंशन ले सकते हैं। अब ये डायमेंशन आपको दे रहा है तो ये देखें ये आपको डेसिमल में दे रहा है, ये डेसिमल में इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने डायमेंशन सेट नहीं किया। तो डायमेंशन को सेट करने के लिए डी एंटर करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट डायमेंशन पे क्लिक करें इस बटन पे, तो यहां से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा डायमेंशन टूल बार में जाके आपने डायमेंशन स्टाइल्स पे क्लिक करें, वहां से भी आप यही काम कर सकते हैं। ये काम करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, और यहां से अपने डायमेंशन इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच और ओके कर दें, सेट करंट एंड क्लोज। देखें 10 फुट की लाइन दी थी हमने, तो 10 फुट की हमारे पास डायमेंशन दे दी। अब ये थी जी डायमेंशन,
एल इंटर, 5 फिट की लाइन लगाता हूँ, एल एंटर, पांच फिट की लाइन लगाता हूँ, स्केप, इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ। तो दूसरा तरीका है डी डायमेंशन का, आपने यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करें और डायमेंशन के लिए एक और डी आई डिस्टेंस के लिए यूज होता है, डी आई पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, लास्ट पॉइंट पे क्लिक करें तो आपको बता रहा है 5 फुट का आपकी एंगल है, ये डिस्टेंस के लिए होती है। डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे लीनियर डायमेंशन पे। और दूसरा तरीका है आपने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लेने को छोड़ें, आप राइट क्लिक कर दें और इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रॉप करके नीचे लें तो फिर डायमेंशन यहाँ पे बता रहा है। अब इस डायमेंशन में एक और आपको कमांड में बता देता हूँ, कमांड क्या है कि आपका इसका साइज़ बहुत छोटा है, देखें इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो इसका साइज़ बढ़ाने के लिए एक कमांड आपके पास यूज़ होती है, वो कमांड है आपके पास डिम स्केल। डिम स्केल कमांड यूज़ होती है आपकी जो डायमेंशन होती है उसके टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए। डायमेंशन और टेक्स्ट है उसके साइज बढ़ाने के लिए आप डिम स्केल एक कमांड यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा डी आई एम एस, अब देखें डिम स्केल आपके पास आ गया नीचे, आप देख सकते हैं यहां पे, ये एंटर कर दें, कह रहे कितना आपने टेक्स्ट का साइज कितना देना है, तो मैं इसका साइज देता हूँ 2 फुट। 2 फुट साइज तो दे दिया, अब देखें मेरे पास फिर भी इसका साइज नहीं बढ़ा डिम स्केल, तो इसका साइज बढ़ाने के लिए आपके पास यहां पर आएगा अपडेट डायमेंशन का एक ऑप्शन होगा, क्लिक करें यहाँ पे, ये लिखा हुआ जी अपडेट, अपडेट डायमेंशन आई थिंक यहाँ पे तो नहीं है, अपडेट, हाँ अपडेट पे क्लिक करें, अपडेट डायमेंशन क्लिक करें इस पे और इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करें, देखें टेक्स्ट का साइज इसने बढ़ा दिया अपडेट डायमेंशन। तो अपडेट डायमेंशन का यहाँ पे सिंबल आप देख लिए कौन सा सिंबल है, ये सिंबल है। उसके अलावा आपने अपडेट करनी है डायमेंशन तो आप डायमेंशन में जाएं और यहाँ पे भी आपको डायमेंशन के लिए यहाँ पे अपडेट्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं डायमेंशन को। ओके, तो ये था डिम स्केल का फंक्शन और अपडेट का फंक्शन कि आपकी डायमेंशन को अपडेट इसने कर लिया। नेक्स्ट आप बस एल एंटर में करता हूँ और इस एंगल में इसको मैं करता हूँ जी 10 फुट, 10 फुट लाइन लाइन लगाई में, और अब इसकी मैं डायमेंशन चेक करता हूँ, तो इसकी डायमेंशन भी अगर मैं लीनियर से चेक करूँगा, क्लिक करता हूँ लीनियर से चेक करता हूँ इसकी डायमेंशन, तो ये देखें ये 9 फुट 3 इंच बता रहे हैं, एक्यूरेट डायमेंशन ही दे रहा। तो इसके लिए अगर किसी एंगल में आपके पास आपने कोई भी लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है तो उसकी डायमेंशन देखने के लिए आप हमेशा अलाइन डायमेंशन यूज़ करेंगे, अलाइन डायमेंशन पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और अलाइन डायमेंशन पे क्लिक करके आप देखें तो आप देखें एक्यूरेट 10 फुट के आपको डायमेंशन बता रहे हैं। अब अलाइन डायमेंशन जो होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन के लिए भी यूज होती है, एल एंटर, ये आपकी स्ट्रेट लाइन के लिए भी यूज होती है, दस फुट इंटर, और दोनों आपके स्ट्रेट लाइन के लिए भी लीनियर डायमेंशन जो है आपकी देखें स्ट्रेट लाइन के भी यूज हो रही है और अलाइन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आपकी जो डायमेंशन लीनियर और लीनियर और लाइन ये दोनों डायमेंशन जो है एक स्ट्रेट लाइन पे यूज कर सकते हैं आप, जबकि आपके अगर लाइन किसी एंगल में है तो उसके लिए आप लीनियर यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा अलाइन डायमेंशन ही यूज करेंगे। अलाइन डायमेंशन के बाद है एंगुलर, एंगुलर डायमेंशन मतलब आपने अगर एंगल चेक करना है
किसी भी ऑब्जेक्ट का आप एंगल देखना चाह रहे हैं किसका एंगल क्या है, तो आप एंगल के लिए भी डायमेंशन दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक एल एंटर करता हूँ यहाँ पे, और एल एंटर यहाँ से भी करता हूँ एक किसी एंगल पे, एक एंगल मैंने ये दे दिया इसको फॉर एग्जांपल, एक एंगल यहाँ से मैं F8 प्रेस करके यहाँ तक दे देता हूँ। अब इनके एंगल में चेक करता हूँ, तो इस एंगल के लिए आप कौन सी डायमेंशन यूज़ करेंगे, एंगुलर डायमेंशन पे क्लिक करें, इन दोनों का एंगल में देखता हूँ, इसका एंगल और सेकेंड इसका एंगल देखता हूँ कितना है, तो अब इसका एंगल देखें तो ये 90 डिग्री पे है। अब मैं इन दोनों का एंगल देखना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेकेंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका एंगल है 39 है। और इन दोनों का अगर एंगल चेक करना चाहें तो आप इन दोनों का एंगल भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों के एंगल है 51। तो ये जी आप बस एंगुलर डायमेंशन, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल चेक करना चाहें तो आप इस डायमेंशन के थ्रू आप एंगल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास डायमेंशन है वो है आर्क लेंथ। आर्क की लेंथ मालूम करने के लिए, आर्क की जो शार्ट कमांड होती है, ए एंटर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब इस आर्क की लेंथ आप किसी और डायमेंशन से आप यूज नहीं देख सकते, आपने इसकी आर्क की लेंथ फॉर एग्जांपल मैं आप देखता हूँ यहां से इस पॉइंट तक मैं देखना चाह रहा हूँ, डायमेंशन से मैं लीनियर डायमेंशन से इसकी लेंथ देखना चाह रहा हूँ, 17 फुट 3 इंच है, अलाइन से देखना चाह रहा हूँ 17 फुट 3 इंच है, और आर्क लेंथ से देखना चाह रहा हूँ 18 फुट 8 इंच है। तो आर्क लेंथ डायमेंशन जो है ये सिर्फ आर्क की लेंथ को बताएगा हमारे पास कि आर्क की लेंथ कितनी है, और ये एक्यूरेट डायमेंशन आपको देगा, जबकि लीनियर और ये दूसरी आपकी डायमेंशन ये इसकी लेंथ नहीं देंगे, ये सिर्फ लाइन की लेंथ को आप दे सकते हैं, आर्क की लेंथ को आप नहीं दे सकते। ये एंटर थर्टी और लेंथ में इसको देता हूँ, अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है, तो मैंने 15 फिट दी है इसको लेंथ, तो देखते हैं इसकी आर्क लेंथ 21 देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास क्या है जी, आर्क लेंथ और आर्क की डायमेंशन आप यहां से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियस। रेडियस सेंटर सर्कल से होता है, तो सर्कल की जो शार्ट कमांड है वो सी एंटर, सी एंटर मैंने किया। अब मुझे कह रहा है कि इसका रेडियस आपने देना है, तो रेडियस के लिए मैं आर प्रेस करूंगा, आर एंटर करूंगा रेडियस के लिए, बल्कि रेडियस पहले से स्पेसिफाई होता है, सी एंटर स्पेसिफाई रेडियस और सर्कल, मैं इसका रेडियस जो देता हूँ मैं इसको देता हूँ 10 फुट एंटर करता हूँ, 10 फुट का रेडियस आ गया। अब ये रेडियस मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसका, तो उसके लिए मैं रेडियस पे क्लिक करता हूँ, देखिए R10 आ गया पास नज़र आ रहा है आपको, तो ये मतलब इसने रेडियस यहाँ से दे दिया। रेडियस के बाद है सी एंटर करता हूँ मैं डायमीटर, तो डायमीटर के लिए आप डी एंटर कर देंगे, डी डायमीटर डी एंटर, और डायमीटर में देता हूँ 10 फुट एंटर करता हूँ, डायमीटर हमेशा रेडियस का हाफ होता है। अब डायमीटर में जब देता हूँ यहाँ पे, तो डायमीटर पे क्लिक करें, ओके करें, तो अब देखें डायमीटर 10 इसने बता दी यहाँ पे। तो ये था डायमीटर और रेडियस, और इसके ऊपर हम सर्कल में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सिर्फ मैं अभी आपको इसका मैं आपको बता रहा हूँ डायमेंशंस की बता रहा हूँ। तो डायमीटर से आप जब आप डायमीटर देंगे तो वो आप सी प्रेस करेंगे, और जब आप रेडियस करेंगे तो रेडियस नॉर्मल इसमें डिफॉल्ट होता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, सी एंटर करता हूँ मैं आपको डायमीटर, इन दोनों का फ़र्क भी समझा देता हूँ। डायमीटर में इसको देता हूँ 10 फुट, ये डायमीटर आ गया, फिर मैं सी प्रेस करता हूँ, अब देखें इसको मैं सॉरी पहला रेडियस था, अब मैं डायमीटर इसको देता हूँ डी एंटर, और डायमीटर भी इसको मैं 10 देता हूँ, तो डायमीटर देखें इससे छोटा है, तो मतलब ये कि ये जो आपका रेडियस होता है डायमीटर से डबल होता है, देख सकते हैं आप। तो ये था जी डायमीटर भी हमने चेक कर लिया, रेडियस भी चेक कर लिया, डायमीटर भी चेक कर लिया। तो ये कुछ कमांड्स हैं आपकी जो कि हमने डायमेंशन के लिए, उसके अलावा क्विक डायमेंशन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ क्विक डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पे आपके पास क्विक डायमेंशन का ऑप्शन भी है, ये आपके पास दिया हुआ है क्विक डायमेंशन, और डायमेंशन भी सबसे पहला ऑप्शन है क्विक डायमेंशन का। इसका
इसका फंक्शन ये होता है कि मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, सॉरी एल एंटर करता हूँ, पहला ऑप्शन F8 प्रेस करता हूँ, मैंने काफ़ी सारी लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब मैं इसकी लेनियर डायमेंशन लूँगा, देखिए लेनियर डायमेंशन ले रहा हूँ, उसके लिए मुझे पूरी की पूरी डायमेंशन नहीं, मैं नहीं दे सकता 24, ये भी हमारे पास कोई डायमेंशन है। एल एंटर करता हूँ, सॉरी डायमेंशन में लीनियर डायमेंशन राइट क्लिक करता हूँ। देखें अब मेरे पास, देखें ये कुछ कुछ ऑप्शन, देखें यहाँ तक ये बताएगा आपको, ये देख सकते हैं। तो मैंने इन सब की एक साथ डायमेंशन देखनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्विक डायमेंशन पे क्लिक करूँगा। क्विक डायमेंशन पे आप क्लिक करें, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके उसको खींचे ऊपर ले जाएं, तो ये सब किसने डायमेंशन बता दिए। तो ये फंक्शन होता है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन होती है आपने जितने भी ऑब्जेक्ट या जितनी भी लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, एल एंटर, मैं देखिए लाइन काफ़ी सारी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लिक की आपको आवाज़ आ रही होगी। अब ये अलग से एक लाइन है, देख सकते हैं, ये अलग से दूसरी लाइन है, देख सकते हैं। तो इनकी डायमेंशन लेना बहुत मुश्किल होगा अगर मैं इन डायमेंशन के थ्रू लूँगा, ये अलाइन डायमेंशन या एंगुलर डायमेंशन जो भी है। तो लीनियर डायमेंशन में मैं क्लिक करके देखें, मैं लेता हूँ इसकी डायमेंशन, देख सकते हैं, तो ये अलग अलग लेनी पड़ेंगी मुझे, जबकि क्विक डायमेंशन से मैं एक साथ इन सब की डायमेंशन ले सकता हूँ जितना भी ऑब्जेक्ट होंगे। तो उसके लिए आप क्विक डायमेंशन भी क्लिक करेंगे, सारे के सारे डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको दे सकते हैं। तो ये था जी क्विक डायमेंशन का फंक्शन, और जो जो डायमेंशन रहती हैं या जो भी जो चीज़ें रहती हैं, तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिटेल से देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।